छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में साजा के विधायक ईश्वर साहू ने अपने बेटे पे लगे एंट्रोसिटी के आरोपों को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने साजा पुलिस पर बिना जांच के मामला दर्ज करने पर भी नाराजगी जताई है। साजा विधायक ईश्वर साहू ने मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे कृष्ण साहू पर दर्ज एंट्रोसिटी के मामले को कांग्रेस की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि बच्चों की आपसी लड़ाई थी जो सुलझा ली गई थी, लेकिन कांग्रेस के लोग भोले भाले आदिवासियों को बहकाकर मामला दर्ज करवा रहे हैं। विधायक ने साजा पुलिस पर बिना जांच के अपराध पंजी बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उनको मालूम था कि गांव में दशहरा है तो विधायक आएंगे या विधायक के परिवार आएंगे, तो उनके साथ कैसे उलझना है, कैसे उनको बदनाम करना है। एक सीधे साधे भोले भाले गोर समाज के लोगों को पहला भुसला कर पिला पिला कर मेरी लड़की के साथ झगड़ा करने लगाया, और ये लोग उसकी तरह मेरी लड़कों को बदनाम करने के लिए पूरे गोर समाज के भाई लोगों को उकसाए। जितने भी कांग्रेस के नेता है ना हमारे क्षेत्र में, संतोष वर्मा बोल, यहाँ साजा की मनोज जायसवाल है, अंजोर सिंह है, पूर्व विधायक है, इनको मालूम है कि मैं साहू समाज के छोटा सा परिवार के लड़के विधायक बन गया हूँ। लोकप्रियता इतना है तो इसके कम कैसे करना है। लगातार मैं जनता के बीच में जाके सेवा करता हूँ, जनता की लोकप्रियता में बढ़ते जाते हैं, उनको खतरा है आगे चल के भविष्य के लिए, उनको खतरा है तो उनको बदनाम कैसे किया जाए, इनको गिराया कैसे जाए करके षडयंत्र के तरफ भोले भाले आदिवासी समाज के भाई को बहला भुसला कर ऊपर से, और दो परिवार एक कांग्रेस के ठेकेदार के यहाँ काम करने जाते पूरा परिवार, उनका उनको दबाव है कि रिपोर्ट डाल नहीं तो फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनको है दबाव भी है, बलपूर्वक दबाव डाला, पैसे से खरीदी की है, पैसे की लालच दे के उनको रिपोर्ट दर्ज करने लगाया, और पुलिस प्रशासन को भी षडयंत्र की तरफ रिपोर्ट दर्ज करने लगाया। पुलिस का काम है पहले जांच करना था, फिर उसके बाद में रिपोर्ट बनाना था। जगह है बीरनपुर से लगा हुआ, वहाँ 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम था दशहरा कार्यक्रम के बाद, वहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और दोनों के रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की गई। हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी अपराध दर्ज हुआ है और उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपया जेब से निकालने का आरोप लगाया है, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है। और मनीष ठाकुर मनीष मंडावी हैं, उनने जातिगत गाली गलौज देने की बात कही है, तो उसके रिपोर्ट के प्रकरण में STC एक्ट की धारा लगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।